बिग बॉस के घर में कप्तान चुनने के लिए हॉट एयर बलून टास्क रखा गया। विकास गुप्ता कप्तान बन भी गए, लेकिन उस पूरे टास्क से एक सीन गायब था जिसको लेकर काफी बवाल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाय, जहां पर आपको टेलीविजन और बॉलीवुड की सारी अपडेट्स मिलती हैं राइट ऑन टाइम। बाकी मुझसे बातचीत करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, मेरा यूजर नेम है RJ_IG, वहां पर मैं आपको मिल जाऊंगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि हॉट एयर बलून टास्क था कप्तानी के लिए, लोग एक दूसरे का सैक टांग रहे थे, बलून ऊपर जाता था और जो बलून के अंदर इंसान है वो किसी का भी सैक निकाल के फेंक देता था, उसको कप्तानी से बाहर कर देता था। अब यहां पर विकास गुप्ता कप्तान बने हैं, लेकिन एक सीन था जो कि लाइव स्ट्रीम में देख कर लगा था कि एपिसोड में जरूर दिखाया जाएगा, जिस पर ऑलरेडी बवाल होना शुरू हो गया था। वो सीन ये था कि रुबीना दिलैक हॉट एयर बलून के ऊपर बैठी हुई थी और सोनाली फोगाट जी राहुल वैद्य का जो सैक है वो हॉट एयर बलून पर टांगने वाली थी। तो ऐसे में रुबीना कहती हैं कि अगर आप चाहते हो कि सोनाली जी नहीं टांगे आपका बलून राहुल वैद्य, तो आप सोनाली जी को कन्विंस करिए, उनको प्लीज करिए। तो ऐसे में राहुल वैद्य सोनाली फोगाट जी के सामने थोड़ा वैसे झुकते हैं कि मैम प्लीज मत डालिए, जिस तरीके से अक्सर हमने देखा है मर्दों को औरतों के सामने ऐसे आउट ऑफ रिस्पेक्ट ऐसे झुकते हो कि मैम प्लीज मत डालिए। अब इस बात पर वहां पर रुबीना दिलैक कहती हैं कि देशवासियों देखिए, क्या आपको ऐसा कप्तान चाहिए जो सक्षम औरतों के आगे ऐसा झुक जाए। इसके बाद राहुल वैद्य को ये बात ट्रिगर कर जाती है कि यार इसमें ये वुमेन कार्ड खेलने वाली बात क्या थी, यहाँ पर सक्षम महिलाओं के आगे झुकने वाली क्या बात थी, यहाँ ये बात क्यों लाई गई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यहाँ इसका क्या सेंस बनता है और रुबीना आपने ये बात क्यों बोली, और देशवासियों क्या होता है, आप घर के अंदर बात करें तो समझ में आता है, आप बाहर किनको किनसे बातें करना चाह रही हैं। ये पूरी बातचीत थी जो कि एपिसोड में नहीं दिखाई गई, हालांकि इस पूरी बातचीत में काफी हिस्से म्यूट भी थे, इसलिए एग्जैक्टली क्या हुआ ये भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन राहुल वैद्य के फैंस सोशल मीडिया पर बहुत बवाल मचा रहे हैं। उनका कहना है कि इस पूरे के पूरे सीन में राहुल वैद्य बहुत पॉजिटिवली बाहर निकल कर आ रहे थे और रुबीना दिलैक बहुत ज्यादा नेगेटिव दिख रही थी, इसलिए जानबूझकर इस सीन को काटा गया है, ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और इसीलिए राहुल वैद्य के फैंस सोशल मीडिया पर बहुत बवाल मचा रहे हैं। हालांकि अब ये सीन एपिसोड में तो दिखाया नहीं गया है, तो एग्जैक्टली कह पाना मुश्किल है कि कौन सही था कौन गलत था। मोटा मोटा जो लाइव स्ट्रीम में दिख रहा था उसमें यही समझ में आ रहा था कि राहुल वैद्य पॉजिटिव हैं और रुबीना दिलैक वहां पर नेगेटिव दिख रही हैं। अब ये सीन क्यों नहीं डाला ये तो बिग बॉस ही जानते हैं और बिग बॉस कैरेक्टर्स जानते हैं, लेकिन राहुल वैद्य का फैंस का हंगामा जो है वो अभी इस पर थम नहीं रहा है। अभी मुझे लगता है कि काफी लंबा चलेगा ये हंगामा और सवाल उठाए जाएंगे कि आखिर वो सीन क्यों नहीं डाला गया। आपको क्या लगता है आखिर उस सीन को क्यों काटा गया है, आप मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।